Guys, YouTube, देखो आज जो एडिशन ऑफ नंबर ठीक है जिसना अगर बोले ये 1.2 टू का बेसिक है ठीक, जो जितनी संख्या होती इनका है इनका योग कैसे निकालते हैं देखो वैसे तो बहुत आसान से टॉपिक है लेकिन अगर भाई तुम पहाड़ बना चाहो आराम से पहाड़ बना कोई दिक्कत आएगी नहीं मतलब टॉपिक काफी है ठीक है लेकिन तुम चाहते हो भाई इसको बहुत टफ बनाना तो आराम से बन जाएगा ठीक लेकिन नहीं बनाना चाहते तो जो जो बता रहे बस सुनते हैं जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है ठीक तुम्हारे पास कोई सा भी प्लस का नंबर है मान लो प्लस का दो है प्लस का तीन है ठीक अच्छा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि प्लस का दो लिखा हुआ है ठीक है और प्लस का तीन लिखा हुआ है तो तुम इसको प्लस का पांच लिख दोगे ऐसे तरीके से ठीक ये लॉजिक है तो हमारे पास क्या मत बनती है कि जब भी कोई सा दो प्लस का नंबर हो ठीक है या दो माइनस का नंबर हो तो जिनके साइन सेम हो मान लो देखो माइनस का दो और माइनस का तीन लिखो इसका मतलब क्या आएगा माइनस का पांच आएगा जैसे ही प्लस का दो और प्लस का तीन एड हो गया

छोटा नंबर माइनस करना ठीक माइनस के साथ में से दो हटाना तो तुम्हारे पास क्या है माइनस मतलब तो वो तुम्हारा आ जाएगा इस बात को याद रख के चलो ठीक थोड़ा इसके और आगे बढ़ते हैं भाई तो मेरे पास ये वाली बात आती है देखो पहला क्वेश्चन मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ पहला तीसरा क्वेश्चन टू बाई थ्री और प्लस का फोर लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है करना कुछ नहीं है, है तो काफी आसान जब भी ऐसा लिखा हो तो पहले खींचना दो का दो लिखना प्लस का प्लस लिखना और ये जो चार है चार का चार लिख देना और इससे इस मल्टीप्लाई कर दो ठीक है इसको कैसे मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे भाई दो का दो चार तीय बारह और बटे में तीन ठीक है ये तुम्हारा आ गया चौदाह बटे में तीन ये आंसर है अगली बात करते भाई जो मेरे पास चौथा है ठीक है चौथे में क्या करना है जैसे कर लिखा, लिखा हुआ है अब देखो दोनों सेम होते हैं इसको एक बार लिख दो ठीक है और क्या करेंगे इसको ऐड कर दो ठीक है तो मैंने क्या किया यहाँ पे मेरे पास सिंपल क्या है कि मैंने क्या किया जब भी मेरे पास नीचे के नंबर सेम आते हैं तो उसको एक बार लिखो और ऊपर के नंबर ऐड कर दो सेवन अपॉन में थ्री आंसर है अब अगली बात करते हैं भाई जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया ठीक है क्या क्वेश्चन आया भाई क्वेश्चन ये आया कि जब नीचे के नंबर अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे ठीक है सपोज कर लो ऐसा लिखा हुआ है ठीक है है और प्लस 4, ऐसा लिखा हुआ है, नीचे के नंबर अलग है जब तुम्हारे नीचे के नंबर अलग होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ठीक और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई तो टू इंटू फोर प्लस का प्लस इसको इससे 5 into 3. तो क्या करेंगे देखो इस से इसमें एक छोटा सा बनना और सिखा रहा हूँ वो मेरे पास इस तरीके से कि कभी है अगर तुम्हारे पास ना ऐसा लिखा हुआ सपोज कर लो ऐसा लिखा है टू ठीक है और मान लो सेवन बाई ऐसा लिखा हुआ है ठीक है और फिर मान लो ऐसा लिखा हुआ है और थ्री और वन बाई है तो अब इसे कैसे करना कुछ नहीं है तो क्या करो उसमें आठ दो नहीं सोलह ठीक है सोलह और सात ठीक है तो सोलह में सात जोड़ो आ गया तेईस ठीक है तेईस बटे आठ ऊपर आया प्लस सात या इक्कीस ठीक है इक्कीस में एक जोड़ दो ठीक है साथ ही किसान है इक्कीस में एक जुड़ देंगे ना बस बाईस तो बाईस बटे साथ देखो दोबार बनेंगे ना ऐसा वाला क्वेश्चन मतलब कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा तो तुम्हें ये भी सॉल्व करना आना चाहिए ठीक है बस इस बात को याद है चलो मैंने क्या सिखाया कि यहाँ से यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो है यहाँ पे आए उसको प्लस कर देंगे ठीक है ये फंडा है कुछ और है नहीं भाई इसके अंदर तो मैं तो प्लस वाला सिखा दिया अब वैसे आते माइनस वाले पे सेम लॉजिक कुछ चेंज नहीं है ठीक है देखो सबसे जो पहला क्वेश्चन है टू बाई थ्री और मान लो माइनस का फोर लिखा हुआ है क्या करेंगे और कुछ नहीं करना है थ्री का थ्री मैंने क्या सिखाया था भाई ऊपर कि जब भी तुम्हारे पास दोनों के साइन अलग अलग होते हैं ठीक है तो क्या करते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे और जो बड़ी का साइन है वो आएगा तो बारह में से दो माइनस करो ठीक तो तुम्हारे पास आ गया माइनस का दस बटे तीन क्योंकि बड़े साइन माइनस का है ये आंसर आ गया इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लो अगर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ उसमें क्या करेंगे टू बाई थ्री ठीक है माइनस का मान लो चलो सेवन बाई थ्री ऐसा लिखा हुआ है ठीक क्या करना है दोबारा सेम बस से लॉजिक जब नीचे का नंबर सेम है एक बार लिखो ठीक तो क्या करेंगे टू माइनस सेवन तो इसको करने के लिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो मतलब कि में से दो माइनस कर दो में से माइनस करेंगे और मान लो ऐसा बोल दो मैं टू बाई थ्री है ठीक और उसके बाद मेरे पास क्या है माइनस का फाइव बाई फोर है इस तरीके से तो भाई नीचे के नंबर दोबारा अलग है जब नीचे के नंबर अलग होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर इस वाले को करेंगे इस वाले से और इस वाले को कर देंगे इस वाले से ठीक है तो देखो कैसे करेंगे टू इंटू फोर माइनस फाइव इंटू थ्री ऐसा है ठीक है क्या करेंगे 4 8, minus 5, 3 15, 3, 4 12, ठीक है तो भाई फिफ्टीन माइनस एट मेरे पास कितना आ गया माइनस का सेवन अपॉन में ट्वेल्व ठीक है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है ठीक है तो भाई कुछ और बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है इसके अंदर

तुम कभी भी किसी भी दो प्लस के नंबर को मल्टीप्लाई करो मतलब कि दोनों के साइन शाम हो ठीक है सेम साइन हो या तो प्लस प्लस का हो या फिर माइनस माइनस का अगर दोनों के साइन सेम है तो तुम्हारा आंसर आएगा प्लस में लेकिन अगर तुम्हारे दोनों के साइन अलग अलग एक प्लस का एक माइनस का है एक माइनस का है एक प्लस का अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा माइनस में ठीक तो तुम्हें इस बात को बस याद देखकर चलना है ठीक है अब सुनो तो भाई मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे तो मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन सिखा रहा हूँ इसका सपोज करो टू बाई थ्री into 5 ऐसा लिखा हुआ है कभी भी ऐसा आ जाए बस तुम्हें इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है ठीक है 2 5 है और अपॉन में 3 है तो 5 2 10 3 ये तुम्हारा आंसर ठीक अगर कटेगा का तो काट देना दूसरी बात वही और मान लो 3 5 है ठीक है और इनटू में 2 4 है ठीक है मान लो 2 7 ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करेंगे इसको इससे तो 3 2 और यहां पे 5 सेवन ऐसा है तो थ्री टू या सिक्स और फाइव सेवन या थर्टी फाइव ठीक है सात पन्जा पैंतीस ये मेरा आंसर आ गया तो और अगर कोई से कटेगा का तो काटना जरूर है ठीक इसमें दो ही फंडे होते हैं कुछ और नहीं है अब इसी में तुम्हें थोड़ा सा डिवाइड सिखाता हूँ कि डिवाइड कैसे किया जाएगा देखो यहाँ पे तो अगर डिवाइड की बात करें भाई तो ये लो डिवाइड बहुत आसान आंसर है देखो ऐसे टू बाई थ्री है मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ फाइव से ठीक तो हमेशा ध्यान रखे चलना डिवाइड का उल्टा क्या होता है डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई ठीक है अगर मैं पाँच का उल्टा करूँ देखो अच्छा पांच का उल्टा क्या हो जाएगा पांच का उल्टा है, एक बटे पाँच मैं बोल दू तीन का उल्टा क्या हो जाएगा तीन का उल्टा एक बट्टे तीन ठीक है अगर मैं बोलता हूँ दो बट्टे तीन का उल्टा क्या हो जाएगा ठीक है इसका हो जाएगा तीन बटे दो तो हमें पलटना आना चाहिए पैल तो दो बटे तीन डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और हमेशा इधर वाले का पलटना है ठीक है तो पांच का उल्टा एक बोटे पांच जब भी पलट इधर वाले को पलटना है दूसरी बात करते हैं भाई साहब इसकी तो मैं ऐसा बोल दू टू डिवाइड करना है मेरे को फाइव अपॉन सेवन से इस तरीके से करना है ठीक है क्या करेंगे देखो टू बाई थ्री का टू बाई थ्री रहेगा डिवाइड का उल्टा कर दो मल्टीप्लाई सेवन अपन फाइव ठीक है सात दूनी चौदह और बटे में पांच पंद्रह तो ये हमारे पास आता है इसका आंसर ठीक तो तुम्हें देखो ये बहुत आसान सा फंडा था इसमें कोई तीर मारने वाली बात तो है नहीं इसको डिटो से जो समझ लेना एक आध बार सॉल्व कर लेना इसको ठीक तो बाकी जो जितना है भाई अच्छा खासा हो जाएगा ठीक है फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर धन्यवाद